हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सके। ओके तो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। दोस्तों मेरा नाम है धीरज और दोस्तों आज इस वीडियो में यार आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है यार, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो यार बहुत से लोग और बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं मुझसे कि यार प्लीज हमको बताओ कि इस फोटो को आप लोग एडिट कैसे करोगे कुछ अलग तरीके से, और जो इसकी जो मनी पॉल्यूशन एडिटिंग होती है वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अलग इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके का आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। दो मिनट के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यार यहाँ पे देख सकते हैं, आप यार इस वीडियो को रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपके फोन में रोटेट नहीं होने वाला है। ये जस्ट आप जैसे अपने हाथ में मोबाइल पकड़ते हो ना, कुछ इस तरीके की यार मेरी भी मोबाइल की स्क्रीन आपके फोन में सेट हो जाएगी। तो यार आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज देखते रहिए इस वीडियो को। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये कुछ इफेक्ट, आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इफेक्ट दिया गया है, इसकी वजह से ये फोटो एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने पूछा कि ये इफेक्ट कैसा है और इस इफेक्ट को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यार उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यार आप लोगों ने नोटिस तो यार किया ही होगा कि कितनी बढ़िया एडिटिंग होती है, एंड इसके अंदर जो डिटेलिंग होती है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम करके। ठीक है, तो यार डिटेलिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके की होती है कि यार मतलब देखने वाला एकदम पागल हो जाता है कि यार क्या फोटो एडिट किया हुआ है एंड क्या एकदम कड़क पोज दिया हुआ है। ठीक है, तो यार बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है और बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को, प्लीज स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया तो यार मतलब मिस हो जाएगा, मैं मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो देखिए, अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा चलेगा तो यार मेरा तो कुछ नहीं जाता है क्योंकि वीडियो आगे ही जाने वाला है, मेरे को भी पता है। ठीक है, तो बहुत ही मस्त वीडियो होगा। हाँ, और आपको 10 मिनट निकालने में तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती है। ठीक है, सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको कैसे देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी इस फोटो को हटा देता हूँ एंड यहाँ से यस, एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे इफेक्ट में जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे चलने के बाद ये जो दूसरे नंबर का इफेक्ट है ना, ये आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना होगा। कहाँ पे ऐड करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये करना होगा एंड ये जो स्क्रीन है ना वहाँ पे आपको इस इफेक्ट को ड्रॉ करना होगा। जैसे कि अभी मैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं सब कुछ हटा देता हूँ एंड वापस से आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अभी मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये तो जस्ट मैं आसपास इसकी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ यार इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यार आपको भी यार एकदम ध्यान से यहाँ पे इस इफेक्ट को दे देना होगा। ये इफेक्ट है वो बहुत ही स्मूथ इफेक्ट है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, जैसे कि आपकी स्किन यार बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अगर आप चाहे तो यार इसको 50% तक भी रख सकते हैं इसकी ओपेसिटी को, क्योंकि ये अगर आपकी स्किन पहले से बहुत ही अच्छी है तो यार बहुत ही अच्छी तरीके से आपको फिर लड़कियों जैसा लुक नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए इसकी स्किन पहले से बहुत ही अच्छी थी, तो यहाँ पे अभी मैं कर लूँगा तो ऐसा लगेगा कि किसी ब्यूटी के एप्लीकेशन के अंदर मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी को भी मैं थोड़ा लेवल में ला दूँगा। ठीक है, एंड इसकी जो, अगर आप चाहे तो यार यहाँ पे भी कर सकते हैं जो इसके कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, मॉडल के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस जो है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं बढ़ा रहा हूँ कम कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से अगर आप चाहे तो कर सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे फेड करके यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, तो ये स्किन पहले से ही अच्छी है और आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा था, इसकी वजह से मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेंटेन रखूँगा कि ये फोटो फट ना जाए और अच्छा फोटो रहे, इसकी क्वालिटी बिगड़ ना जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो यार प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। अभी आपको क्या करना होगा, आपको ड्रॉ के टूल के अंदर जाना होगा। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे मतलब कोई सनलाइट वगैरह ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं करने वाला हूँ कुछ, यहाँ पे जाके ड्रॉ के ऑप्शन में जाके यहाँ पे इसको लो कर देता हूँ एंड यहाँ से ये सेट करके इसकी ओपेसिटी को भी कुछ इस तरीके से देखिए आप सेट कर लेता हूँ मैं। देखिए आप देख सकते होंगे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जाके यहाँ पे सीधा एक वाइट कलर सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे ड्रॉ कर देना होगा। एंड अगर आप चाहे तो कुछ इस अलग तरीके से भी कर सकते हैं कुछ इतना बड़ा, एंड यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ इसको ओवरली या फिर इसको कर दूंगा अभी लाइट टेन में। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप स्क्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन में इतना फ़र्क नहीं होगा, नॉर्मल और स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइटिंग में भी कुछ इतना फ़र्क नहीं है, इसकी वजह से ओवरली बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। इसको यहाँ पे चलिए करते हैं ट्रांसफॉर्म एंड कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कोने में मैं लगाऊंगा,
तो आप देख सकते हैं इसकी जो ब्राइटनेस है वो सीधी की सीधी मेरे स्किन के ऊपर आ रही है, ठीक है, जो भी मॉडल है उसके स्किन के ऊपर आ रही है। तो यार बहुत ही मतलब चमक के आ रहा है चेहरा। एंड यार आपको पता होगा, मैंने आपको जितने भी मेरी वीडियो है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि अट्रैक्टिव बनो। कुछ ऐसा करो अपनी फोटो एडिट में या कुछ अपनी फोटो में कुछ ऐसा लाओ कि लोगों का मतलब चार फोटो एक सर्चिंग रिजल्ट में आएगी। समझ लो चार फोटो रखी हुई है, ठीक है, और किसी एक को बोला कि चलो यार ये फोटो इनमें से कोई एक फोटो चूज कर, तो आपकी फोटो में कुछ इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि यार वो बस देखते उसको पसंद आ जाए, ठीक है, और वो वही फोटो को चूज करेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ मैंने इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट दिया है। अगर आप चाहें तो ये इफेक्ट भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एंड लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो इतना लंबा नहीं होने वाला है, इसके अंदर जस्ट मैं आपको इसका जो इफेक्ट है ना वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इंटीरियर को भी मैं ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं इरेज करके। यहाँ पे अभी मैं इस फोटो को कर लेता हूँ सेव फुल HD क्वालिटी में, ठीक है, जिससे कि इसकी हाईएस्ट MB रहेगी। HD क्वालिटी तो मैं नहीं बोल सकता, जिससे कि इसकी MB जस्ट कम नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं लाइट रूम में और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इफेक्ट देके बताऊंगा एंड आपका दिल भी खुश हो जाएगा यार, मज़ा आने वाला है, प्लीज़ देखते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं लाइट रूम में। तो यार हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम में। अभी आपको क्या करना होगा, आपको कलर्स के साथ यहाँ पे खेलना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पैंट का कलर ब्लू है, तो कुछ आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सेट करना होगा कि ब्लू कलर किस तरीके से हमको हाईलाइट दिखाना है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं बताता हूँ अट्रैक्टिव आपके फोटो को किस तरीके से करना है। ये पैंट का कलर ब्लू दिख रहा है और पीछे का जो पीछे जो खिड़की वगैरह दरवाज़ा कुछ भी है उसका कलर भी ब्लू है। इसके अंदर आप देख सकते हो ब्लू ज़्यादा दिख रहा है और ब्लू के अंदर जो ब्लैक है उसके ऊपर सबसे पहले नज़र पड़ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, आपको बताता हूँ कि आपको अपने फोटो को अट्रैक्टिव कैसे दिखाना है कुछ इन लोगों की तरह से। और यहाँ से अभी मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कर लेता हूँ सेट, जिससे कि आगे जाके हमको दिक्कत नहीं होगी एडिटिंग करने में। एंड कॉन्ट्रेस्ट को अगर आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यार कुछ इस तरीके से मेरे को हाईलाइट ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका शेडो बना दूँ तो यार बहुत ही बढ़िया पिक लग रहा है, ठीक है। एंड ब्लैक्स को अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से कम कर दूंगा तो और भी क्या बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं आप कलर के साथ थोड़ा खेल लेंगे। एंड यहाँ पे इनको मैं थोड़ा कर लेता हूँ हाई, ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे चलते हैं डन करके। एंड इसकी जस्ट क्लियरिटी को, या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ से ये इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ उस तरीके का इफेक्ट मिल जाएगा जो इनकी एडिटिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वाइब्रेंस करके इफेक्ट आता है वो दे सकते हैं। स्टेचुएशन आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, क्योंकि यार बच्चों वाला काम हो जाएगा फिर ये तो, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत करके आया, फोटो को इतना अट्रैक्टिव बनाया, फेस को इतना अट्रैक्टिव बनाया हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके, ठीक है। तो इसके अंदर मेहनत की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कुछ अलग अलग चीज़ें यार हम लोगों ने बारी बारी से की है, तो मतलब टाइम तो लगता ही है ना यार एडिटिंग करने में। आप देख सकते हैं मैंने इफेक्ट दिया पिक्सआर्ट में जाके फेस को एंड हैंड को, मतलब जो भी स्किन वगैरह थी उनको। उसके बाद मैंने व्हाइट इफेक्ट को ऐड किया। अगर आपके पास व्हाइट कलर की लाइट PNG वो भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन यार वो बहुत ही अच्छी नहीं लगेगी। इससे अच्छा यार ड्रो टूल में यार खुद से क्रिएट कर लो तो यार बहुत ही सही रहेगा वो आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे करते हैं इसकी क्लियरिटी को सेट। अगर आप चाहे तो यार फुल कर सकते हैं, लेकिन फुल आप देख सकते हो कैसा लगता है, ठीक है, तो इतना अच्छा नहीं लगता यार, इतना स्मूथ फोटो है उसको आप ख़राब कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा। एंड अगर आप चाहे तो यहाँ से इस फोटो को कलर को भी यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से वापस से मैं इसको फुल कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसके ग्रेन्स को मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा हाई। अब देखते हैं जो इफेक्ट देना है हमको, यहाँ पे जाके हमको ये इफेक्ट कुछ देना होगा नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। एंड यहाँ पे चल के अगर यहाँ पे ब्लू इफेक्ट दे देते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं फोटो का लुक कुछ इस तरीके से लग रहा है। जो इनके इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। एंड जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ यार ब्लू इफेक्ट दो वो बहुत ही अच्छा है, एंड रेड इफेक्ट दो, या फिर अगर ब्लू रखना है तो ब्लू टोन में ही रखो। ब्लू टोन एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप रखोगे ना तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे ब्लू रख रहा हूँ मैं एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ, इससे कि ये जो नीचे का शेडो वाला इफेक्ट है वो आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये जो ब्लू इफेक्ट है वो पीछे ब्लू कलर की इसने जीन्स पहनी और पीछे ब्लू बैकग्राउंड है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हो कि इस तरीके से, तो भी सेम हो जाएगा लेकिन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे आप करिए, लेकिन आपके फोटो को बिल्कुल मत बिगाड़िएगा। कुछ अट्रैक्टिव चीज़ों को हाईलाइट कीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से यार, दिखाइए कि यार हाँ इस फोटो के अंदर ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। होप गाइस आपको ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड आप लोग नोटिस करिएगा इनके मोस्ट ऑफ इफेक्ट यही होते हैं, ठीक है। एंड
आई होप यार आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। और चलिए मिलता हूँ किसी और एक नई एक्साइटिंग वीडियो में। एम करता हूँ इस बार यार 500 लाइक तो कर ही दोगे यार, लाइक एंड शेयर तो वीडियो को बनता है अब तो। ठीक है, चलिए मिलता हूँ किसी और एक नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।